लेट मी एलाबोरेट इट वंस अगेन, मैं एक और बात समझाता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यह ओपन ट्यूब है और पिस्टन यदि स्टेशनरी है, पिस्टन यदि स्टेशनरी है, ओपन ट्यूब है, तो इसमें एयर का या गैस का वही प्रेशर होएगा जो एम्बिएंट प्रेशर है, एंड लेट अस से दैट इज पी नॉट। अब हम इस ट्यूब के अंदर इस पिस्टन को डिस्टर्ब करते हैं, इसको टू एंड फ्रो मोशन देते हैं, पहले अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। जब हम अंदर डाल रहे हैं तो कंप्रेशन जोन क्रिएट कर रहे हैं, जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो रिएफेक्शन जोन क्रिएट कर रहे हैं। जब हमने अंदर डाला कंप्रेशन के दौरान हाई प्रेशर जोन आया, जब हमने बाहर निकाला तो रिएफेक्शन के दौरान लो प्रेशर जोन आया। यह कंप्रेशन का जोन है, इसके कहीं बीच में प्रेशर होगा मैक्सिमम, इसके कहीं बीच में प्रेशर होगा पी, एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन पी नॉट, या इस एम्बिएंट प्रेशर से ज्यादा होगा इस कंप्रेशन वाले जोन में। और यह है रेयरफैक्शन, इस रेयरफैक्शन में लो प्रेशर है, यह रेयरफैक्शन जैसे मैंने दिखाया लो प्रेशर जोन, इसमें जो प्रेशर पी होगा दैट इज लेस देन पी नॉट। अब सबसे पहले मैंने कहा किसी भी समय पर किसी भी जगह पर प्रेशर एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम, पी इज प्रेशर एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम, पी इज प्रेशर एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर पी है, और एम्बिएंट प्रेशर है पी नॉट। पी नॉट इज एम्बिएंट प्रेशर, मींस द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। तो पी माइनस पी नॉट, अब हम कह रहे हैं पी माइनस पी नॉट, इसको हम डेल पी से लिख सकते हैं। डेल पी मींस द डिफरेंस इन प्रेशर, दिस इज प्रेशर डिस्टरबेंस एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट, दिस इज प्रेशर डिस्टरबेंस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर एट दैट इंस्टेंट, और उस इंस्टेंट पर वहां पर यह प्रेशर डिस्टरबेंस कहलाएगा। अब यह जो प्रेशर डिस्टरबेंस की वैल्यू है, ये जो प्रेशर डिस्टरबेंस है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैंने बताया इस प्रेशर डिस्टरबेंस की वैल्यू माइनस ऑफ डेल पी नॉट से ज्यादा होगी और कम होगी प्लस डेल पी नॉट से। डेल पी नॉट इज मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस, मैं इधर लिखता हूं डेल पी नॉट, डेल पी नॉट इज मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस यह जो मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस है जनरली कहां पर ऑब्जर्व होगा, मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस वुड बी जनरली ऑब्जर्व एट द सेंटर ऑफ द जोन ऑफ कंप्रेशन एंड द जोन ऑफ रिएफेक्शन, दिस मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस एट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड रिएफेक्शन जोन, जो जोन ऑफ कंप्रेशन होगा और जोन ऑफ रिएफेक्शन होगा उसके सेंटर पर हमें यह मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन मिलेगा। यहां पर थ्रू आउट पी इट्स ग्रेटर देन पी नॉट, सेंटर पर पी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, एंड एट दैट पॉइंट डेल पी इज मैक्सिमम, एंड दैट डेल पी वुड बी हैविंग वैल्यू डेल पी नॉट।
अब जरा सोचिए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू इमेजिन, व्हाट डू यू गेस एट द बाउंड्री ऑफ दिस जोन ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन. यह दिस इज द बाउंड्री ऑफ जोन ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन. एट दिस बाउंड्री ऑफ जोन ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन आई विल से द प्रेशर वुड बी इक्वल टू पी नॉट. इस जगह पर कंप्रेशन जोन खत्म हो रहा है, रियरफैक्शन जोन स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब इस बाउंड्री पर एयर प्रेशर वही होएगा पी नॉट जो एम्बिएंट प्रेशर. इस जोन ऑफ रियरफैक्शन में थ्रू आउट प्रेशर इज लेस देन पी नॉट. इसके ठीक सेंटर में प्रेशर विल हैव मिनिमम वैल्यू, प्रेशर की मिनिमम वैल्यू होगी, और डेल पी नॉट की इस जगह पर वैल्यू होगी माइनस, और डेल पी की इस जगह पर वैल्यू होगी माइनस ऑफ डेल पी नॉट. हियर प्रेशर डिस्टरबेंस इज वंस अगेन मैक्सिमम बट ऑन द नेगेटिव साइड. हियर विल हैव मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस ऑन नेगेटिव साइड. इस तरीके से वहां पर जोन ऑफ कंप्रेशन रियरफैक्शन है. अब यह जो प्रेशर डिस्टरबेंस है, यह प्रेशर डिस्टरबेंस स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है. यह ट्रैवल कर रहा है, इट्स ट्रैवलिंग, इट्स प्रोपोगेटिंग, इट्स अ प्रोग्रेसिव वेव अलोंग एक्स एक्सिस. यह इस ट्यूब की लेंथ के अलोंग हम एक्स एक्सिस कहते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस. सो दिस प्रेशर डिस्टरबेंस इज propagating or traveling along x-axis. So I can write the equation for this longitudinal progressive wave. मैं इस longitudinal progressive wave के लिए एक equation लिख देता हूं, and that equation should be written like this. Del p would be equal to del p naught. Del p naught sine omega t माइनस एक्स अपॉन वी. दिस इज द जनरलाइज्ड और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव. दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन. अब जरा इस इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले v इज द वेव वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस अलोंग एक्स एक्सिस. मैं इधर लिखता हूं v इज वेव वेलोसिटी और velocity of disturbance, velocity of disturbance along x-axis. इस x-axis x upon v लिखकर मैंने यह बात बता दी है that this progressive wave is traveling along x-axis. यह progressive wave x-axis के along travel कर रही है. This disturbance is propagating along x-axis with velocity v.